फ्रेंड्स, आज हमारा शिकारी देवी मंदिर जाने का प्लान है। तो हमने सुबह होटल में जल्दी नाश्ता किया और अपने गंतव्य के लिए हम निकल पड़े। हमें शिकारी देवी मंदिर जाने के लिए चिंदी से करसोग वैली की तरफ जाना है और 3 किलोमीटर पहले वहाँ से एक रास्ता शिकारी देवी मंदिर के लिए कटता है। हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर जगह है और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि क्यों कहा जाता है, ये जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि जगह जगह यहाँ पर देवी देवताओं के निवास हैं और उनके बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। अब जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इसके बारे में कहते हैं कि कभी पांडव यहाँ पर शिकार करने आए थे और जब वो शिकार करने आए यहाँ पर वो एक हिरण का पीछा कर रहे थे और वो हिरण अचानक ही यहाँ से गायब हो गया, उनकी नज़रों से ओझल हो गया। और जब उन्होंने रात को यहाँ पर अपना आराम करने के लिए लेटे तो एक देवी की आवाज़ आई कि मेरी मूर्ति वहाँ पर है, उस स्थान को स्थापित कर दो। इन्होंने पांडवों ने मूर्ति ढूंढी और मूर्ति को एक बहुत सुंदर सा चबूतरा बनाकर उन्होंने वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दी। और इस मंदिर का जिक्र मार्कंडेय पुराण में भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम ये मंदिर देखने जा रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ बहुत अच्छे सीनिक ब्यूटी सीन्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। हमने शिकारी देवी मंदिर के 18 किलोमीटर के ट्रैक पर 12 किलोमीटर का रास्ता हम पार कर चुके हैं। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस मात्र और रह गया है और हम 6000 फीट की हाइट से सीधा 11000 फीट की हाइट पे पहुंच रहे हैं। तो एकदम से जब इतने हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो थोड़ा सांस फूलता है, लेकिन कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। हम जब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा सांस फूलेगा, पर ये नॉर्मल है। हम शिकारी देवी मंदिर पे आए हुए हैं। 18 किलोमीटर का रास्ता था, रास्ता थोड़ा कच्चा था और हमें लगभग 1.5 घंटा लगा उस रास्ते को कवर करने के लिए। अब इसमें लगभग 600 के करीब सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे और यहां पर अभी 360 व्यू दिखता है और वैली बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल सीन नज़र आता है, चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आज हम शिकारी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा आसान है, अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। थोड़ा सा सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है, जगह जगह बैठने के लिए बेंच लगी हुई है। हम वहाँ पर बैठकर सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ किया है। 600 से ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पर।
इनकी हाइट है सीढ़ियों की और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। हाइट ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सांस की दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं शिकारी माता मंदिर के पास खड़ा हूँ और यहाँ से 360 डिग्री व्यू नजर आता है। पांडव इस मंदिर की छत नहीं बनवा पाए थे और बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक कोई भी इस मंदिर की छत नहीं बनवा पाया। बड़े प्रयास किए लेकिन सब असफल रहे। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। इतनी बर्फबारी होने के बाद भी मूर्ति वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्फ नहीं पड़ती। शिकारी माता के दर्शन हो रहे हैं। आज कोविड की वजह से मंदिर बंद है लेकिन हम दूर से दर्शन कर रहे हैं। हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए हैं और यहाँ की हाइट लगभग 11,000 फीट है और 360 व्यू, चारों तरफ का व्यू दिखता है यहाँ से। बहुत ही सुंदर जगह है। जो थोड़ी बहुत नीचे आने में थकान हुई वो सारी थकान ऊपर का ये दृश्य, मोहक दृश्य देखकर मिट गई। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एंटरटेनमेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।